राशि के अनुसार करें देवी माँ की पूजा, मिलेगा प्रमोशन और पैसा। चैत्र नवरात्र का प्रारंभ आज से हो चुका है। इस दौरान 9 दिनों तक शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। साधक अलग अलग तरीकों से माता को खुश करने में लगे हैं। राशि के मुताबिक यदि आप इस दौरान पूजा के नियमों का ख्याल रखेंगे तो आपको खास फल मिलेगा। आइए आज आपको बताते हैं कि राशि के अनुसार किस तरह करें पूजा। मेष, इस राशि के लोग माथे पर सुगंधित चंदन का तिलक करें और प्रमोशन के लिए मां दुर्गा को रसमलाई का भोग लगाएं। वृष, इस राशि के लोग माथे पर नारंगी सिंदूर का तिलक करें, प्रमोशन के लिए मां दुर्गा को गुड़ का भोग लगाएं। मिथुन, इस राशि के लोग माथे पर दही हल्दी का तिलक करें और प्रमोशन के लिए मां दुर्गा को लड्डू का भोग लगाएं। कर्क, इस राशि के लोग माथे पर सफेद चंदन का तिलक करें और प्रमोशन के लिए मां दुर्गा को तिल के लड्डू का भोग लगाएं। सिंह, इस राशि के लोग माथे पर काजल का तिलक करें और प्रमोशन के लिए मां दुर्गा को पंचमेवा का भोग लगाएं। कन्या, इस राशि के लोग माथे पर हल्दी का तिलक करें, प्रमोशन के लिए मां दुर्गा को दूध केला का भोग लगाएं। तुला, इस राशि के लोग माथे पर दही चावल का तिलक करें, प्रमोशन के लिए मां को गुड़ की खीर का भोग लगाएं। वृश्चिक, इस राशि के लोग माथे पर लाल सिंदूर का तिलक करें और प्रमोशन के लिए मां दुर्गा को मखाने का भोग लगाएं। धनु, इस राशि के लोग माथे पर दही और दूर्वा घास का तिलक करें और प्रमोशन के लिए मां दुर्गा को काजू बर्फी का भोग लगाएं। मकर, इस राशि के लोग माथे पर चावल पीसकर तिलक करें और प्रमोशन के लिए मां दुर्गा को मक्खन मिश्री का भोग लगाएं। कुंभ, इस राशि के लोग माथे पर नारंगी सिंदूर का तिलक करें और प्रमोशन के लिए मां दुर्गा को शहद का भोग लगाएं। मीन, इस राशि के लोग माथे पर दही हल्दी का तिलक करें और प्रमोशन के लिए मां दुर्गा को बताशे का भोग लगाएं।